बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया टीवी पर। और आज बात करने बैठे हैं 36 फार्म हाउस। 36 फार्म हाउस का फील तो यहाँ एक ही इंसान दे रहा है, वो है संजय मिश्रा। जहाँ वो बैठे हैं, जिस तरह का माहौल हमको दिखाई दे रहा है। प्रमोशन में भी कैरेक्टर में सर एकदम साइन ऑफ अ ट्रू एक्टर। मतलब मैं ये सुभाष जी से ही पैसे लेके ये प्रमोशन के लिए मुझे सुभाष जी ने बता देना अंदर की बात है कि उन्होंने कहा था तुम फार्म हाउस से किसी भी फार्म हाउस आपको स्पेशली आपको वहां पे भेजा गया स्पेशली। हाँ जब हम कहते हैं फार्म हाउस अपने आप में ही एक होता है कि भाई मतलब चलो रिलैक्स करने चलते हैं या बहुत बड़ा कुछ होगा। इट गिव्स अ ग्रैंडर लाइक सुभाष घई फिल्म्स। सुभाष घई को हमेशा शोमैन के तौर पर हम लोगों ने देखा है। मतलब इनकी फिल्में हैं तो वो पैमाना बहुत बड़ा होगा। तो आप ओटीटी पर भी पैमाना छोटा नहीं रखने वाले हैं ना सुभाष जी? देखिए, ये भ्रम मैं आपका थोड़ा दूर करना चाहता हूँ कि मैंने फिल्में बनाई बड़ी भी और छोटी भी। मैंने फिल्म जॉगस पार भी लिखी और बनाई, अगर आपने देखी हो। मैंने फिल्म इकबाल भी बनाई जो अपने बड़ी छोटी बजट की फिल्म थी। राहुल बनाई, बहुत सी पिक्चरें हैं जो हमने बहुत छोटे बजट की भी बनाई, क्योंकि मेरे हिसाब से बजट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कहानी बड़ी है या छोटी है, कहानी का प्ले का विस्तार कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। छोटी कहानी का विस्तार आप बड़ा करेंगे तो नहीं चलेगी, और बड़ी कहानी का विस्तार छोटा करेंगे तो नहीं चलेगी। तो सुभाष जी, इकबाल जैसी फिल्में आपने लिखी जरूर है और आप कह रहे हैं छोटे बजट की फिल्म, लेकिन जब वो निकल कर बाहर आता है तो आप देखो ना पैमाना। मेरा कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से वो बड़ा ही होता है। हाँ, तो वो पैमाना किस चीज का, वो कहानी बड़ी होती है, उसमें बात जो कही है। बात बड़ी कहो, आप भले गरीबी में रहो लेकिन बात बड़ी होनी चाहिए, दिल आपका बड़ा होना चाहिए। उसका कोई आपके बैकड्रॉप से या बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है उस चीज का। और यही चीज जो है 36 फार्म हाउस में भी आती है कि ये कहानी हमको ऐसी मिली कि पेंडेमिक का समय है, माइग्रेशन का टाइम है, लेबर्स अपने घर जाना चाहते हैं, वो दुखी लोग हैं, और चलते 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 पैदल चलते चलते उनको कहीं एक दूर से फार्म हाउस नजर आता है, और वहां पर सोचते हैं कि यहाँ शायद शेल्टर मिल जाएगा, कुछ खाना मिल जाएगा, कुछ नौकरी मिल जाएगी। और संजय मिश्रा जी जो हैं किसी शेफ में कुक में काम करते थे ढाबे में, वो वहां पहुंच जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, और वहां पर वो देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा महल है जहां मुझे नौकरी मिली। और पैंडेमिक में क्या था, स्टाफ भी नहीं होता है, बड़े घर में भी जाके आप महल में भी आप अकेले बॉस हो जाते हैं, किचन में भी एक ही आदमी नहीं, तो उन बड़े पैलेस में तो 6-6 मेंबर्स होते हैं, आपकी औकात भी नहीं बन सकती। इनकी जाते ही औकात बन जाती है, इनको इम्पोर्टेंस मिल जाती है, उनको समझता है समझने लगते हैं कि यहाँ तो भैया अगर मैंने छोटा सा डायमंड भी उठा लिया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, उसी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। और ये सोच से अमोल पराशर भी वहां पहुंचते हैं कि भाई वहाँ ये जो जगह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें तो अपना पूरा कैरियर बना सकता हूँ, मैं तो खाली टेलर मास्टर ही था। तो ये जो गरीब तबके लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं, जो अमीर सुपर रिच लोग रहते हैं। वो एक फार्म हाउस है जो इनको ऑन करते हैं लेडी माधुरी भाटिया, ग्रैनी हम उसे कहते हैं, और उनके 3 बेटे हैं। तो जब ये जो पहुंचते हैं वहां पर अपने मोटिवेशन से, तो ये देखते हैं कि वो जो बड़े लोग हैं उनकी अपनी चिंताएं हैं, उनके अपने कंपटीशन है, अपनी अपनी वासनाएं हैं, अपनी जद्दोजहद उनकी अपनी चलती है। हम तो ये सोच रहे हैं भैया 2 टाइम की रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, घर ठीक हो जाए, छत मिल जाए, ये काफी है। तो संजय मिश्रा जी उस वक्त गाना गाना शुरू करते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी फिक्र, छोटे लोगों की छोटी फिक्र, माइंड योर बिजनेस, आगे निकल, जो तेरे को करना है तू कर ले भैया, आत्मनिर्भर रहे और आगे आगे बढ़। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं संजय मिश्रा जी। और इसमें जो रिच फैमिलीज हैं वो विजय राज जी हैं, जो कि बड़ी पावरफुल एल्डर सन ऑफ द लेडी ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस है, तो एक बड़ा इंटरप्ले है अच्छे तरीके से। तो क्या है कि मेरे को मुझे हमेशा रहता है कि कहानी की जो नरेशन है वो एक बड़े खूबसूरत ढंग से करनी चाहिए। बजट दिया जाता है आपको, आपको बजट फाइनेंसर्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं, तो आप इस बजट में बनाइए। तो ये जरूरी नहीं, आप देखिए कितनी छोटी छोटी फिल्में, सैराट जैसी फिल्में, इकबाल जैसी फिल्में बहुत बड़ी हिट, बहुत पैसा कमाया, और बहुत बड़ी बड़ी बजट की फिल्में भी बेचारी नहीं चल सकी। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी बड़ी होती है
फिल्म बड़ी नहीं होती है, फिल्म बड़ी होती है थोड़ा इनिशियल के लिए, स्टार्स आ गए, बड़े आ गए, लोग आ गया, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि इसमें इंडिपेंडेंस हमको बहुत मिली, एक अच्छी कहानी लिखने की, उसका अच्छे ढंग से निकलेंगी, अच्छे एक्टर्स मिल गए हमको, हम बहुत लकी थे। एंड दिस फिल्म व्हेन यू विल सी यू विल फाइंड वन थिंग, द पिक्चर इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, इज अ फैमिली एंटरटेनर, बट इट इज विद द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ ईच कैरेक्टर, सर्वेंट से लेके मालिक तक जिसने परफॉर्मेंस किया है। वो एक एक कैरेक्टर को एच आउट करना, उनकी इम्पोर्टेंस बताना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेहनत उतनी लगती है जोई जी जितना बड़ी फिल्म बनाने में, मेहनत जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कम नहीं होती है, सिर्फ उसमें बजट कम होता है और उसके जो दूसरी फूफे फाफे जो होते हैं वो नहीं होते उसके अंदर। फिर भी हमने इस OTT में फिल्म बनाई OTT के लिए, लेकिन उसमें भी हमने एक अलग कल्चर लाया कि इसमें दो गाने तीन गाने होने चाहिए। तो जब आप फिल्मी OTT की फिल्म देखो उसके अंदर भी सॉन्ग है, सॉन्ग पिक्चराइजेशन है, हमारे एक्टर्स ने गाए हैं, दोनों गाने हमारे इतने खूबसूरत हैं, अमोल जी ने इतना अच्छा गाना गाया उसके अंदर, मोहब्बत मोहब्बत एक गाना संजय जी ने गाया, दोनों आपके सामने हैं, इनसे पूछिए कितना इंजॉय किया इन्होंने गाने को, और आज गाने जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, ये रिलीज किए हैं इन्होंने लास्ट वीक। सो द टोटल प्रोजेक्ट मैटर्स कि आप किस तरह से नियत से किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे सभी टेक्नीशियन आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए मार्केटिंग के लिए तारीफ तो करनी पड़ती है, पर मैं अपने दिल से तारीफ कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग सब लोग बोलते हैं कि हमने अच्छी फिल्म बनाई, मुझे लगता है हमने अच्छी फिल्म बनाई, अब आपके ऊपर है भैया, वो मुझे तो चाहिए भी नहीं, हमने बना दिए, अब हम पास, अब आप देखिए और देख लीजिए, अब हम दूसरी के बारे में सोच रहे हैं। अब ये है कि आपको बताना जरूरी है कि आप फिल्म हमारी आ रही है 21 जनवरी को, तो आप दिल सुनिए, प्लीज सुनिए, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं। अमोल, सारी फिल्म की कहानी ऑलमोस्ट मैंने सुन ली, और सुभाष गई जिस तरीके से बताते हैं सुभाष जी, वो मतलब मुझे लगता है जब आप लोग नरेशन में बैठे थे तब भी इतना ही एंजॉय किया जितना फिल्म में काम करने को लेकर। करेक्ट, मतलब ये जैसे आपने अभी सुनी, मेरा भी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही सुनी थी, मतलब इनफैक्ट फर्स्ट टाइम सुनने से पहले जब मुझे बोला गया था कि आप कल आओ सुभाष गई आपको कहानी सुनाएंगे, तो मेरे लिए वो सेंटेंस ही बहुत बहुत बड़ा था, और मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है यार, कोई और सुना देगा, कोई एडी सुना देगा, कोई हाँ कोई और सुना दे, तुम क्यों मुझे सुभाष जी के सामने बिठा रहे हो और वो मुझे कहानी सुनाएंगे, इतना मतलब तकलीफ क्यों दे रहे हैं उनको। बट आई वाज टोल्ड कि नहीं ऐसा ही होता है, सुभाष जी एक्टर को खुद ही, बट तो उनकी कहानी है और वो खुद ही सुनाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई और आके आपको सुनाएगा। तो मेरे लिए वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं बड़ा उस चीज का प्रेशर था, सुनने का प्रेशर था, सोचिए सुनाने का भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे सुनाना है उनको, मुझे सिर्फ सुनना है बैठ के। बट वो अपने आप में वो सेंटेंस मैंने शायद इमेजिन नहीं किया था कोई मुझसे कभी बोलेगा कि आप कल आइए और सुभाष जी आपको स्टोरी सुनाएंगे, तो मैं डर डर के गया था। मैंने स्टोरी सुनी थी, मुझे मजा आया सुन के, इतने प्यार से जैसे सर सुनाते हैं, इतने और मजा ले लेके खुद सुनाते हैं, अभी भी जब सुना रहे हैं, मैं शायद तीसरी बार सुन रहा हूँ, लेकिन अभी भी उतने ही मजे लेके सुना रहे हैं आपको, क्योंकि ही नोज दैट देयर इज एन ऑडियंस, यू आर लिसनिंग एंड द स्टोरी इज इम्पोर्टेंट टू बी एंजॉयड। राइट, जैसा कि सुभाष जी ने बोला कि फिल्म OTT पर रिलीज हो रही है और इसके अंदर भी गाने हैं, और मतलब OTT का जो रास्ता चल पड़ा है अमोल, और ऐसे में घर बैठे लोग अगर इतना एंटरटेनमेंट देख पाते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो OTT का जो रास्ता है वो आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरे लिए तो OTT का रास्ता ही रहा है मेनली, एटलीस्ट लास्ट 4-5 साल में जो मैंने काम किया है वो OTT पे ही किया है। सो बहुत बार ऐसा भी, पिछले साल भी कुछ फिल्में रिलीज हुई, लोगों ने पूछा आपको कैसा लग रहा है थिएटर में नहीं आई OTT पे आई, मैंने कहा मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि मैं तो मेरा काम मोस्टली OTT पे ही आया है, OTT पे ही देखा गया है, OTT पे अप्रिशिएट हुआ है, और बहुत सारा काम जो मैं आज करता हूँ या मेरे पास आता है वो उसका बेस वही है। मतलब सबसे वो जो काम मैंने, काम अब तक OTT पर क्या रहा आपका? ठीक है, ये फिल्म तो अभी आएगी, ये फिल्म तो अभी आएगी, लास्ट ईयर ही, मतलब ऑफकोर्स 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ, बट लास्ट ईयर ही कैश नाम की मेरी एक फिल्म आई, सरदार उधम आई, उसको इतना प्यार मिला, कैश को अलग प्यार मिला, तो वो और बैक टू बैक आई, और ये भी बैक टू बैक ही है, साल बदल गया है बट 1-2 महीना की बात है। सो आप सोचिए 3 रिलीज
लगातार 4 महीने में ओटीटी पे, तो मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। इनफैक्ट मैं एट होम फील करता हूँ कि हाँ मेरा ओटीटी पसंद करते हैं, हाँ ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर वो सडनली थिएटर रिलीज होगा तो हो सकता है मैं नर्वस हो जाऊँ कि यार पता नहीं मेरे कि वो वाला जो ऑडियंस है वो मेरे पास है कि नहीं, बट आई नो कि मेरा काम मोस्टली ओटीटी पे ही देखा गया है, जो लोग ओटीटी देखते हैं उन्होंने मेरे शोज देखे हैं, फिल्म्स देखी हैं, सो मैं तो टिकट खरीदेंगे कितने रुपए की खरीदेंगे वो अभी उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ओटीटी का कॉन्फिडेंस है, मतलब मुझे पता है कि लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट मीडियम एंड दैट ऑडियंस, आई फील अ कनेक्ट, वो कनेक्ट की बात है कि मुझे वो कनेक्ट फील होता है विद दैट ऑडियंस, तो आई दिस इज माय नॉर्मल, आई मीन ऐसा नहीं है कि अरे अब चीजें ओटीटी पे आ रही हैं ये नॉर्मल नहीं, आपको कैसा फील हो रहा है, मेरे लिए यही नॉर्मल है कि मैं कुछ काम करता हूँ और वो डिजिटल मीडियम पे आता है और लोग उसको आते ही देखते हैं और इमीडिएटली आपके सोशल मीडिया पे आपको मैसेज आ जाते हैं। संजय जी, जी आपका खाना जल गया या खाना बन गया? बंद कर दिया मैंने, भुना हो गया। जैसे मैं अभी अमोल से भी पूछ रही थी, ओटीटी का जो रास्ता है, आपका भी बहुत सारा काम हमने अभी रिसेंटली जब हम घर बैठे थे बहुत सारा काम हमने ओटीटी पर देखा और अब वापस देखने वाले हैं, तो ये रास्ता आपको कितना भा गया है? देखिए हम लोग डॉक्टर ऐसा मानिए कि क्लिनिक पर भी काम कर लेते हैं, मतलब जहां मिला ऑपरेशन थिएटर वहीं चक्कू लेकर बैठ जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं बस नहीं। जी क्योंकि जब ये कोरोना आया था उसके 1.5 हफ्ते पहले हमारी मेरी फिल्म हुई थी कामयाब, जैसे ही लॉकडाउन लगा उसमें वो कामयाब वो फिल्म नेटफ्लिक्स वगैरह किसी पर अमेजोन या किसी पर थी, वो ऑडियंस बहुत मिली थी उसको, जो ऑडियंस अब थोड़ा ऑडियंस भी हमें बड़े ऐसे डायलॉग सुनने के आदि हो चुके हैं कि अरे भाई साहब हम तो 30 साल से सिनेमा गए नहीं। ये गर्व की बात नहीं, 30 साल में सिनेमा बहुत बदल गया इडियट, उसके साउंड क्वालिटी बदल गई जी। अब आप ओटीटी पे मोबाइल में देख रहे हैं फिल्म, कैसे देख रहे हैं, जो वो थिएटर का एक जो क्वालिटी, आज जो साउंड रिकॉर्डिंग होगा भाई ओटीटी पे तो ही जाना है, मोबाइल में देख लेंगे शायद, या बहुत कम लोग होंगे जिनके बहुत कम क्या होंगे जिनके पास एक बढ़िया पूरा थिएटर है, होम थिएटर है, सारी चीजें हैं, लेकिन अब ऑडियंस की रीच बहुत है, आपको भी नहीं कुछ करना कि चलो आज इंटरवल तक आज देखते हैं, कल ऑफिस से आके इंटरवल के बाद कर देख लेंगे, इतना लंबा लंबा इंटरवल ले रहे लोग। तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस दिख रही है, जहां दिखे अच्छी दिखे गाली ना खाएं, चाहे वो थिएटर में हो चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो। अब मैंने भी ओटीटी के लिए कुछ फिल्में जैसे इससे शुरुआत हो रही है, ग्वालियर एक मेरी और फिल्म है जो लाइन में है, डेथ ऑन अ संडे मेरी लाइन पे है, तो है ओटीटी है हमारे लिए तो परफॉर्मेंस कहते रहे, कहीं सब कुछ जब बंद हो जाएगा तब खतरा होगा, अभी तो अच्छी बात है भाई, जाके देखिए या घर में बैठ के देखिए, आपको देखा जा रहा है, आपकी बात सुनी जा रही है, ओटीटी बढ़िया है, अच्छा है। संजय जी डर है कि सीरियल्स की तरह फिर चीजें ना होने लग जाए, ओटीटी एक माध्यम मिला है, आप उसको बढ़िया यूज करें, अच्छा यूज करें, ऑडियंस लगे। हर चीज का संजय जी प्रोज एंड कॉन्स होता है, अच्छा भी कुछ होता है, कुछ तो रहेगा ही, फ्लिप साइड हर चीज का है। जैसे अभी मैं नवाजुद्दीन से उस दिन बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि कई बार लगता है जैसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म डंपिंग ग्राउंड बन गया है, बहुत ऐसे मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ उसमें बना करके डाल देना है, तो वो जो क्वालिटी वर्क है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है उसका। यस, सोचते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत मुश्किल से हमने एक ऑडियंस, हमने नहीं ऑडियंस ने खुद को बनाई है एक सेंसिबल सिनेमा देखने। आज जिस तरह से अगर आप मेरी ही पिक्चरों का नाम लें, आंखों देखी को जिस तरह से अप्रिशिएशन मिला, इसका मतलब एक जागृत ऑडियंस है, तो एक जागृत ऑडियंस जितना हम बना पाए, चाहे वो ओटीटी से बना पाए चाहे थिएटर से, जागृत ऑडियंस होगी तो देश बहुत सही होगा, फिर जनता भी जागृत होती है ना चीजों से,
कि समझदार तरह की फिल्मों को देखना हो गया, हीरो हीरोइन तो पीछे गाना गाना ये सब बहुत सुन लिया देख लिया, और भी कई गम है जमाने में। तो OTT मतलब हाँ डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बनना चाहिए, अच्छे अच्छे लोग खड़े रहे, ऐसी ऐसी चीजें अच्छी अच्छी पिक्चरें आती रही। सुभाष जी ने कहा कि हमारी फिल्म में गाने हैं, मतलब सिनेमा ही है पूरा, वो OTT और थिएटर में कोई शूट करने वाला नहीं डिफरेंस कर रहा है, वो बना रहा है सिनेमा ही बना रहा है। और थिएटर से फिल्म उतरने के बाद आप टीवी पर तो देखते ही हो फिल्मों को, तो अगर उसी तरह से देखा जाए तो ये खूबसूरत चीज है कि रिलीज के साथ ही आप घर पर देख पा रहे हैं। जी अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी ताल फिल्म थी जी, वो थिएटर में 50 वीक चली, 2 साल चली, लेकिन 20-15 साल से तो टेलीविजन पर ही आ रही है और लोग हर बार देखते हैं उसको, 25-50 बार देख चुके हैं। तो कभी भी अच्छी कहानी, अच्छा एक्सप्रेशन, वेल मेड फिल्म, वेल मेड प्ले, ऑडियो विजुअल प्ले फॉर ए बिगर स्क्रीन हैज ए प्रिविलेज, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिग स्क्रीन एंड स्मॉल स्क्रीन। बड़ी स्क्रीन में ये होता है कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, आप जैसे विजुअल ट्रीट, अंधेरे में लोग एक ही सिटिंग के अंदर पूरी फिल्म देखते हैं, जबकि OTT में आप कई सिटिंग कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, यू कैन, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। सिनेमा हॉल में यू आर इन द ऑ ऑफ द होल विजुअल्स, एम्बियंस, साउंड, सॉन्ग्स, तो उसका एक अपना प्रिविलेज है। OTT में इंटरवल अलाउड नहीं है, हमें बहुत जरूरी होता था तो, लेकिन क्या है कि जब वंस यू नो द ग्रामर ऑफ अ स्टोरी टेलिंग एंड यू आर ए परफेक्ट टेक्निशियंस टू प्ले विद इट द ऑडियो विजुअल, यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक एन इंटरेस्टिंग फॉर द पर्टिकुलर ऑडियंस। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस का ये कभी भी भाई साहब अपना रिमोट में हाथ करके बंद कर देगी, फॉरवर्ड चली जाएगी। जी जी, तो अपनी ग्रामर बनती है, वो ग्रामर अगर आप ध्यान में रखें, लाइक थिएटर ब्रॉडवे शोज उनकी अपनी ग्रामर है, तो उस ग्रामर को अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर स्टोरी इज बिलोंग्स टू द टैलेंटेड पीपल, द पर्सन हु नोज द जॉब, हु नोज थिएटर, थिएटर इज वेदर बिग थिएटर, स्टेज थिएटर और ए होम थिएटर, होम थिएटर भी एक चीज है, तो उसका इम्पैक्ट आपको आना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि वो डंप कर देते हैं, वो डंप इसलिए कर देते हैं कि उनके पास कुछ है नहीं, खाली पॉट है, इसलिए जो भी आ रहा है उसको डंप किए जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली कंपटीशन विल कम व्हेन OTT विल आल्सो क्रिएट हिज ओन डिग्निटी विद प्रॉपर सॉन्ग, प्रॉपर शूट, प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन, और डिटेल में उसका लिखा जाएगा। ये नहीं कि आपने सेक्स वॉयलेंस डाल दिया, चलो प्रोजेक्ट बन गया दे दो, प्रोजेक्ट बन गया दे दो। और अब तो सुभाष जी मेन स्ट्रीम एक्टर्स भी OTT की तरफ उनका रुझान हो गया है, अभी सुष्मिता सेन को देखा, रवीना टंडन को देखा, एक टाइम पे एक वक्त था जब हीरोइन का एक शेल्फ लाइफ होता था, लेकिन एक नया दौर चल पड़ा है जहाँ पे एक्टर्स को हम वापस देख पा रहे हैं। अच्छी बात है ना कि एक वेटरन एक्टर्स को जो हम भूल चुके थे, उन लोगों को भी एक परफॉर्मेंस का, एक अपने टैलेंट को रिजुवेनेट करने का मौका मिला है, प्रोवाइडेड they get good writers, good directors, good producers who are responsible to make OTT as dignified as cinema has made. Yes. What OTT today has to do is to create a dignity for himself, for itself. नहीं तो फिर वही टीवी की तरह रहेगा, टीवी तो idiot box भी नाम दे दिया जाता है उसको, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर भी आपके गुणी लोगों की बहुत जरूरत है। आज हमारे 36 फार्म हाउस में ये जितने एक्टर्स हैं, जितने टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, ये कभी समझ के नहीं गया कि हम OTT के लिए बना रहे हैं। मिश्रा जी आपको लगा, अमोल तुमको कभी लगा कि हम OTT के लिए? नहीं। OTT का फिल्म ऐसा होता कि चलो साइड में कुछ ठोक दो यार, साइड की कुछ बात कर लो, नहीं, जो चीज चाहिए वो चाहिए, जो प्ले चाहिए उसकी इन डेप्थ। आपका काम अच्छा हो तो वो प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता है, और आई थिंक OTT हैज डन अ वेरी गुड जॉब फॉर द पास्ट 3-4 इयर्स, गिवन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू द टैलेंटेड पीपल। एग्जैक्टली संजय जी, एक लाइटर नोट पे पूछ रही हूँ, पूरे मैं जब ये देख रही थी, ट्रेलर देख रही थी, सबके मुंह पे मैंने मास्क देखा, किसी का मास्क है जो हम लोग आजकल नया नॉर्मल हो गया है, रास्ते में चलते हुए किसी का मास्क आधा, किसी का पूरा, किसी का नीचे, ऐसे देख पा रहे, एंड सुभाजी है स्केप्टिक लाइक दैट ओनली। तो ये मास्क वाला एक्सपीरियंस जरा मुझे बताइए ना संजय जी। देखिए हम एक्टर्स मेकअप वगैरह सब करते हैं,
और उसमें मास्क लगा के लाइंस भी नहीं पढ़ सकते कि तू मास्क लगा के, वो भाई मुझे देखना है तुम्हें यार। मैं तो हम लोग शूटिंग पे इतना मतलब एक्टर्स तो मास्क को इतना मतलब हम हटा ही लेते थे, मेरा तो हटा ही रहता था, लेकिन बाद में मतलब पूछना क्या चाह रही है बे कि मास्क अच्छी चीज है कि नहीं। मैं कह रही हूँ मास्क के साथ एक्सपीरियंस, ना सर झुका के जियो ना मुंह छुपा के जियो। मैंने कहा जब उस समय उसके राइटर ने ये गाना लिखा होगा तो क्या जानता होगा कि अब मतलब सामने आप हैं, अरे मुंह तो हटाया, अरे हाँ यार ये तो तू है मतलब अरे चेहरा तो दिखाइए चेहरा तो दिखाइए, मतलब आप भूल गए सर कैसे, अच्छा तू अब मुझे क्या मतलब, तो ये मास्क का एक, लेकिन अब आदत बनानी पड़ेगी, अब कभी भी कहा जा सकता है मास्क लगा लो। कभी कंफ्यूज हुए कि मास्क जरा हटा है कौन बात कर रहा है? बहुत सारे लोग होते ना, बहुत बार रोज 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 मम्मी को लेने स्टेशन गया तो वही नहीं समझ में आ रही थी। तो एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्प्ले करते हैं, थिएटर हो या पॉलिटिकल स्पीच हो या पार्लियामेंट का एक बजट अनाउंस कर रहे हैं, अगर आप मास्क लगा के करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आधी चीज आएगी। सो कुछ इम्पोर्टेंट, बिकॉज शूटिंग इज इम्पोर्टेंट चीज, सुबह सिंह शूटिंग से पहले और बाद में शॉर्ट से पहले सब लोग मास्क लगाते थे, हम लोग ऐसा नहीं था। तो हमारे चेक्स होते थे सर, RTPR क्या 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 रोज, तो करके रोज, ये एक अलग दौर है, हर दूसरे दिन RTPCR टेस्ट करो और शूट पर जाओ, ये चैलेंज जो है वो एक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है रोज किया हम लोगों ने। और मास्क की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब काम करना पड़ता है, खाना खाने के लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना मास्क, आप बोलेंगे नहीं इसमें भी करो, मुश्किल हो जाता है। संजय जी जल्दी वापस आइए कुछ खाना वाना लेकर के, मतलब आई एम लाइक लिटरली मुझे लग रहा है जैसे आप जहाँ बैठे हैं ना हम सब वहीं जाकर के इंटरव्यू करना चाहिए थे। क्यों सुभाष जी? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया टीवी वालों को तो कहना ही चाहिए था, थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए, हम सब लोगों को वहां बुलाना चाहिए। आजकल तो आप सब लोग इतना पैसा बचा रहे हैं यार, हर बात वर्चुअल करके चलो सुभाष जी उधर करो, जो जहाँ बैठा है उससे कर लो, लॉट ऑफ मनी इंडिया टीवी ने इतना पैसा कमाया है, उन्हें कहिए कि भैया एक और आप लेके चलो ना हमको। हमको लेके चले, वो जमाना क्या बड़ी फिल्मों में होता था कि पूरी मीडिया को लेके चलो प्लेन में ही पूरा, वो भी एक टाइम था। अच्छा टाइम था, अभी तो आपके रिपोर्टर्स हर जगह हैं, हर शहर में, हर गांव में। ब्यूटीफुल जर्नी, और जिस तरह से आप लोगों ने कहानी भी बता दी और वहां का माहौल भी बताया, मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू में मतलब बातें करने बैठूंगी, आप हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक पावर हाउस है, चाहे वो टैलेंट का हो, और बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, मैं दूसरे का टाइम मुझे लगता है कि नेक्स्ट भी आपका लाइंड अप है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन हाँ फिल्म देखने के बाद मैं जरूर सुभाष जी, संजय जी, अमोल, मैं जरूर बात करना चाहूंगी वापस, क्योंकि और ज्यादा बात करने को यू नो यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कहूंगा कि आप म्यूजिक भी सुनी है अभी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फिल्म और वहां म्यूजिक ना सुनो ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग, थैंक यू जोगिता जी।